हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं वीवी डॉट नेट में एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसी बनती है। इसका मतलब अगर हम अभी कोडिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम सामने वाले क्लाइंट को कैसे, हमारा जो भी प्रोग्राम है कैसे देंगे, क्योंकि वो तो कोई विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने वाले हैं नहीं। तो देखते हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है वीवी डॉट नेट में। आपके सामने देख रहा है वीवी डॉट नेट का आईडी, तो हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। हमने कुछ प्रोजेक्ट बना जैसे देखे थे, तो चलो एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ओके, एक रेडियो बटन का प्रोजेक्ट है, रन करके देखते हैं इसे। तो वैसे बेसिकली इसमें प्रोग्राम ऐसा था कि जैसे रेडियो बटन को क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म का बैक कलर ये चेंज हो जाएगा। हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है हमने अभी जो किया। ओके, तो पिछली बार हमने जो प्रोजेक्ट किया था पिक्चर बॉक्स का, वो देखते हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट था कि बटन पे क्लिक करने के बाद पिक्चर बॉक्स में इमेज सिलेक्ट करनी थी, तो मैंने बटन पे क्लिक किया, पिक्चर्स में गए और कोई इमेज सिलेक्ट कर ली, तेरे की इमेज आ गई। ओके, तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, पर अगर ये मुझे क्लाइंट को देना होगा तो कैसे देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए अभी ये प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ये सेव है माय डॉक्यूमेंट में। तो आपको करना ये है कि आपको जाना है बिल्ड में और बिल्ड, और यहाँ आपका प्रोजेक्ट का नाम, पिक्चर में प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड पिक्चर। ओके, तो यहाँ देखिए बिल्ड स्टार्ट होगा, सक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ आपको ये बिल्ड में करना है। बट अभी इसके बाद कैसे, क्लाइंट को हम क्या देंगे, तो इसके लिए हम पहले जाएंगे हमारी डॉक्यूमेंट्स में जहाँ हमारा प्रोजेक्ट सेव है। तो ये देखो मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में जा रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था पिक्चर, तो इस फोल्डर में आ गया। पिक्चर फोल्डर में, बिन फोल्डर में, ये देखिए दो फोल्डर दिख रहे हैं, डीबग और रिलीज। तो यहाँ जो रिलीज फोल्डर है, इसमें ये हमारी फाइनल एप्लीकेशन फाइल मिल गई है। अगर ये फाइल अभी किसी को अगर देते हैं तो जो इसको रन करेगा, और देखिए तो क्लाइंट के यहाँ भी ये प्रोजेक्ट वैसे ही रन होगा जैसे हमारे कोडिंग में रन होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि हमें मिलती है रिलीज के फोल्डर में। ओके, ये देखिए पिक्चर और उसका एप्लीकेशन, आप उसका नाम भी बदल सकते हैं। ओके, तो इतना सिंपल है कि आप इजीली आप एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं, और सामने वाले क्लाइंट को सिर्फ आपको यह देना है। इसके साथ आपको उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।